हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज क्लास 7 का मिड टर्म का संस्कृत का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट वालों का, तो जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो पेपर है ना उसमें आपको एक श्लोक भी याद होना चाहिए और ये आपका जो है वो 4 नंबर का है। देखो लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा श्लोक वाला, ठीक है, सुन रहे हो? ये लिखा प्रश्न पत्रा, मतलब प्रश्न पत्र में जो दे रखा उसको छोड़कर, ठीक है, आपको एक याद होना चाहिए श्लोक दे हम लेकिन, तो आपको श्लोक लिखना पड़ेगा। ठीक है यार, है ना, जो पेपर में दे रखा उसको छोड़ के आपको लिखना है। आप ये मैं सोचा प्रश्न पत्र वाला लिख दोगे आप। अब जो पहला क्वेश्चन आएगा उसमें एक पद मतलब होता है एक वर्ड में आंसर देना है। जैसे यहाँ लिखा श्रृंगार भक चाह कुत निवसमा, श्रृंगार और जो भक है वो कहाँ रहते थे, तो आपको इसमें लाइन ढूंढनी है। ये लिखा श्रृंगार, ये लिखा भक, ये निवसमा, तो एक पद में एक वर्ड कौन सा बचा, ये वने और एक अस्मिन, तो आप वने लिख दोगे, जंगल में रहते थे वने। ठीक है, ऐसी एक शब्द में आंसर इसका देना है। श्रृंगाल से निमंत्रण का प्रसन्न अभवत, श्रृंगाल के निमंत्रण से कौन खुश हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो ये पूरा का पूरा ये लाइन आपको मैच करके ढूंढनी है और आप आराम से देखो, ये देखा पूरा लिखा नहीं, तो इसमें बच कौन रहा है, बका, तो ये कहाँ पे बिंदी लगी, विसर्ग लगा या बक लगा, तो बका ही आएगा आंसर इसका। ठीक है, एक पद में एक वर्ड, ठीक है, ऐसे बका भोजनाय कस्य निवासम अगच्छत, तो किसके घर पर गया था, श्रृंगालस से, ठीक है, क्योंकि श्रृंगाल ने बुलाया था, श्रृंगाल के गए, तो मतलब ये आंसर लिखना है खाली, समझा, एक वर्ड में आंसर देना है। और श्रृंगालस से कृष स्वभाव से श्रृंगाल का स्वभाव कैसा था, तो यहाँ पर देखो पूरी लाइन ढूंढो कहाँ लिखी है, लिखी तो कुटिल लिख देंगे खाली, मतलब बहुत लालची था, वो बुलाना चाहता था खिलाना नहीं चाहता था। पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन, श्रृंगाला भकम किम अवदत, श्रृंगाल ने भक को क्या बोला, ये लिखा देखो पूरी लाइन, देखो ये लिखी ना, तो आप यहाँ से पूरी लाइन लिखते हैं, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी होती है ऐसे। ये और कुटिल स्वभाव श्रृंगाल बकाए क्यों अच्छत, ये अच्छत वाला ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा यहाँ से, यहाँ तो पूरा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला कि भोजनाय में कौन सी भक्ति है, चौथी है, ठीक है, फिर ये अगच्छत है तो इसमें कौन सा लकार है, आ लिखा ना, तो ये भूतकाल हो गया, अगर खाली गच्छत होता तो वर्तमान काल होता, ठीक है, वर्तमान काल होता है, और बकाए शिरोधन अच्छत है ना, तो इसमें क्रियापद पूछा तो लास्ट वाला क्रियापद होता है अच्छत। और फिर जब बोला कहानी का नाम क्या दोगे, तो कहानी का नाम इसमें से आप कोई भी पहली लाइन ढूंढ के लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो एक अश्विन वन श्रृंगाला बकाचा, या आप लिख दो श्रृंगाल बकाचा, या श्रृंगाल बका लिख दो, तो आपको खाली एक लिखना है। ठीक है, तो ये वीडियो जो बना रहा हूँ आराम से देखो इसको, और आपको इस चित्र पर 4 लाइन बनानी, वीडियो देख लेना जो मैंने बना रखी है, फिर आपको यहाँ पर मैचिंग करके लाइन बनानी, जैसे स पाठम पठति, इस तरीके से आपको लाइन बनानी, जैसे राम श्याम आपणम गच्छता, या राम श्याम यत्र गच्छता, तो देखो बहु द्विवचन से द्विवचन लगाना होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे विभक्ति बतानी है, विभक्ति जैसे ये सही लिखा है तो कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी, यहाँ एन लिखा है तो तीसरी विभक्ति होगी, आय लिखा है तो चौथी है, शू लिखा है तो सप्तमी है, कन्या लिखा है तो प्रथम विभक्ति है। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर जोड़ना है, समहार का हो जाएगा संहार, तो आपको जोड़ना है इसे, प्र इसमें अलग करना है, जो जुड़ा हुआ है उसे जोड़ तोड़ना है, जैसे प्रजमहार हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अनुक्रोति हो जाएगा, ये अवजमा तरती हो जाएगा, या अवजमा तरती, वो तो सेम ही हो गया। फिर ये गिनती ढूंढनी, 18 को क्या बोलते हैं, येरा, 12 को येरा, 20 को क्या बोलते हैं, येरा विशंती, 9 को नव बोलते हैं, 4 को चतवार बोलते हैं, यहाँ देख कर लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी दे रखी है, संस्कृत में बताना इसमें क्या बोलते हैं, जैसे देख कर को क्या बोलते हैं, देख कर अवलोक के, मूर्ख वगैरह मुड़े। ठीक है, ऐसे सारे के सारे आपको इसमें से ढूंढ के करने हैं। ठीक है, जैसे परित्यज्य का मतलब होता है छोड़ कर, और अगर 4 बोले तो 4 करने हैं आपको, फिर आपको यहाँ पर इसको देखकर भरना है। ठीक है, जैसे या हित कामना सुविधा वाक्यम नाम अभिनंदति, ठीक है, इस तरीके से फरवरी माह से समानतः अष्टविंशति दिनानी भवंती या भवंती आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप पूरा पेपर देख सकते हैं, आपको पूरा पेपर ऐसे ही करना है, एक पर दिन बोलेगा एक पर दिन, पूर्ण वाक्य और जो निर्देश अनुसार बोले वो करने हैं। ठीक है, ये आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपसे दोहा बोला गया, ये आंसर के प्रश्न है, ये आपने बुक में पढ़े होंगे, आंसर के प्रश्न, जैसे सत्यन का केन हो जाएगा,
आंसर का प्रश्न बनाना है और लास्ट में आपका है दोहा जो आपको करना है। इतना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल स्टूडेंट्स।